नमस्कार आप सभी को। आज के इस वीडियो में हम भारती कॉलेज की तरफ से आई नो टीचिंग स्टाफ के पोस्ट पर जो वैकेंसी है परमानेंट बेसिस पर आपकी जॉब है, और बिल्कुल हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पर आई है, इसके अलावा किस तरह से आप अप्लाई करेंगे, क्या कुछ इसकी क्वालिफिकेशन रहेगी, वो सभी आप इस वीडियो में देख पाएंगे। लिंक्स आपके इसके रिगार्डिंग सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके अलावा आज ही के दिन 25 अक्टूबर को मैंने एक 76+ जो वैकेंसी आपकी लाइब्रेरी से रिलेटेड है वो भी पोस्ट किया है, वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए, ताकि अगर आप उसमें कोई भी वैकेंसी में एलिजिबल है तो जरूर आप उसमें अप्लाई कर पाए। तो आपकी ये वैकेंसी यहाँ पर आई है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर ही आपकी ये जो भारती कॉलेज है आता है। अब यहाँ पर जो वैकेंसी है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट है, ना केवल इसमें आपकी वैकेंसी आई हुई, काफ़ी सारी वैकेंसीज अभी चल रही है, CUG में चल रही है। इसके अलावा हम बात करें नॉन टीचिंग स्टाफ की, अलग अलग इंस्टीट्यूट कॉलेज की तरफ से आई हुई है, तो उनको भी आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। एक मैं ऑफिस जो वेबसाइट का लिंक दे दूंगी, जहाँ पर आपको हर एक अपडेट टाइम पर समय पर मिल जाती है हर एक भी। और तो लाइब्रेरी की पोस्ट यहाँ पर एक है, डायरेक्टर की फिजिकल एजुकेशन की यहाँ पर एक पोस्ट है, और OMSP इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट की यहाँ पर टोटल 3 पोस्ट है, और तबला कंपनीस्ट की यहाँ पर एक पोस्ट है, कंप्यूटर लैब अटेंडेंट की यहाँ पर एक पोस्ट है, और फिर है आपकी लाइब्रेरी अटेंडेंट की यहाँ पर 2 पोस्ट है। तो टोटल मिला के हम बात करें तो 3 आपकी लाइब्रेरी साइंस रिलेटेड है, बाकी अगर हम बात करें और भी के लिए जो है पोस्ट यहाँ पर है कि, तो और यहाँ पर हम बात करें जिसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन है, और ये आपकी लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है सबमिट करने की वो है आपकी 13 नवंबर तक आप इसमें भर सकते हैं बिल्कुल। और जो फी यहाँ पर रहेगी वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसके अलावा सबसे पहले हम चलते हैं इसकी जो क्वालिफिकेशंस है उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आप ज़रूर से ज़रूर विजिट कर लीजिएगा, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए चलते हैं, तो इनकी आप ऑफिशियल वेबसाइट पर ज़रूर विजिट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी, bhartikollege.tu.academic.in। तो यहाँ पर नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2021 नाम से यहाँ पर है होम यहाँ पर है लिखा हुआ, और यहाँ पर जो है सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे। पहला एडवर्टीजमेंट का है, दूसरा क्वालिफिकेशन के लिए है, तीसरा आपका एप्लीकेशन फॉर्म फॉर PWBD कैंडिडेट्स के लिए ओनली, और जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर मेंशन की गई है, और यहाँ पर ग्रीन वाले पे जो क्लिक करके आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। तो ये आपकी मेनली हमने कवर कर ली है, अब हम क्वालिफिकेशन पर चलते हैं। तो ये आपकी सारी क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की यहाँ पर पोस्ट है, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, मास्टर डिग्री यहाँ पर, तो मास्टर डिग्री वाले जो है इसमें एलिजिबल हैं, एप्लीकेशन अपनी जो है यहाँ पर आप सबमिट कर सकते हैं, डिजायरेबल आपके लिए बाद में ज़रूरी है, पहला आपका ये वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें लाइब्रेरियन के लिए पर क्या क्वालिफिकेशंस हैं, तो मास्टर डिग्री आपने कंप्लीट कर रखी है, ऑप्शन काफ़ी सारे हैं, 55% आपके होने चाहिए एफ एस के इक्वेलेंट ग्रेड या पॉइंट जो भी है, क्वालिफाइड नेट आपने क्वालिफाई कर रखा हो। दूसरी हम नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें जो पोस्ट है, तो आपकी फिजिकल एजुकेशन के लिए भी आपकी जो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें जो नॉर्म्स ऑफ वीमेन कैंडिडेट्स के लिए, इसके अलावा जो और भी जो रहते हैं क्राइटेरिया, जूनियर असिस्टेंट के लिए हम बात करें 12th पास हो और साथ में टाइपिंग स्पीड यहाँ पर मांगी गई है, और फिर तबला के लिए, और फिर है यहाँ पर कंप्यूटर अटेंडेंट के लिए, कंप्यूटर लैब अटेंडेंट के लिए 10th पास आप होने चाहिए इक्विवेलेंट यहाँ अपने विद साइंस सब्जेक्ट, और फिर यहाँ पर हम बात करें अगली जो पोस्ट है लाइब्रेरी अटेंडेंट की, तो 10th पास और आपने जो कोर्स है आपका सर्टिफिकेट का कोर्स कर रखा हो लाइब्रेरी साइंस इंफॉर्मेशन साइंस में, तो बिल्कुल आप इसमें एलिजिबल है। तो ये कुछ वैकेंसी हमने यहाँ पर कवर कर ली है, तो बिल्कुल ही आप सारा जो है PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर फी की, हम यहाँ पर बात करें अनरिजर्व कैटेगरी OBC EWS के लिए 500 है, SC ST के लिए और 250 है, और वीमेन कैंडिडेट्स के लिए PWD के लिए कोई यहाँ पर फी यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा सारे इंस्ट्रक्शन आप इसमें पढ़ सकते हैं, जो कि हमने बात की है, कॉन्सेप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सभी कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, और यहाँ पर आपका एज लिमिट को लेकर के मेंशन किया गया है, और साथ में रिलैक्सेशन जो रहेगा, तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली है, बिल्कुल आप इसमें अप्लाई कर लीजिएगा। और जो आपका ड्यू के अकॉर्डिंग जो सभी लगभग सारे कॉलेज के अंदर एक ही एग्जामिनेशन का पैटर्न यहाँ पर रहता है, दयाल सिंह की तरफ इवनिंग कॉलेज की तरफ से जो वैकेंसी आई थी वो भी अगर आपने चेक की हो, तो और भी काफ़ी सारी वैकेंसीज अभी चल रही है, उनको ज़रूर आप चेकआउट कर लीजिएगा। और आज के इस वीडियो में तय ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट आप मिस नहीं कर पाएँ। साथ में लाइब्रेरियन का स्पेशली आप जो टेलीग्राम चैनल है वो भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए।